सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 12 हिंदी में संस्कृत खंड में पंचमा पाठा सुभाषित रत्नान में आगे पढ़ेंगे 8 से लेकर के 15 श्लोक संख्या तक। इससे पहले मैं पिछली कक्षा में पढ़ा चुका हूँ 1 से 7 तक। ठीक 8वां क्या है, देखिए, विद्या विवाद आय धनम मादाय शक्तिम परेशाय पर पीड़नाय खलस्य साधु विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ठीक, विद्या विवाद आय, विवाद माने लड़ाई झगड़ा करने के लिए, धनम मादाय, मादाय माने अहंकार करने के लिए। ठीक, शक्तिम परेशाम पर पीड़नाम, परेशाम दूसरों को, पर पीड़नाम माने पीड़ित करने के लिए। ठीक, खलस्य साधु, खल माने होता है दुष्ट, साधु माने सज्जन, विपरीतम एतत, विपरीत माने विपरीत, एतत माने यह, ज्ञानाय ज्ञान के लिए, दानाय दान के लिए, च रक्षणाय रक्षा करने के लिए। ठीक, तो इसमें यह बताया गया है जब सज्जनों के पास, दुष्टों के पास विद्या होती है तो विवाद करने के लिए, धनम मादाय धन होता है तो अहंकार करने के लिए, जब उनके पास शक्ति होती है तो दूसरों को पीड़ित करने के लिए। खलस्य साधु विपरीतम, दुष्टों के विपरीत जब साधुओं के पास ही विद्या होती है तो ज्ञान देने के लिए, धन होता है तो दान देने के लिए, और जब उनके पास शक्ति होती है तो दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। ठीक बच्चों, अगला है 9वां श्लोक, सहसा विदधीत नाक्रियां अविवेकः परम आपदां पदम दृढ़ते ही विंदस्य कारणां गुणलुब्धा सुमेव संपदा। ठीक, सहसा विदधीत नाक्रियां, सहसा माने अचानक, विदधीत माने करना चाहिए, ना माने नहीं, क्रिया माने कार्य को, अचानक किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। अविवेक परम आपदाम पदम, अविवेक माने अविवेक से, यानी बिना सोचे विचारे, तो अविवेक से किया गया कार्य परम आपदाम, यानी परम आपदा माने विपत्तियों का स्थान होता है। तो क्या कहा गया कि अचानक किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, अविवेक से किया गया कार्य परम विपत्तियों का स्थान होता है। दृढ़ते ही विमृश कारणम, जो लोग विमृश कारणम माने विचार विमर्श करके कार्यों को करते हैं, गुण लुब्धा गुण की लोभी, संपदा माने संपत्तियां स्वयमेव, स्वयं ही उनका दृढ़ते माने वरण कर लेते हैं। तो क्या कहा गया, अचानक किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, अविवेक से किया गया कार्य परम विपत्तियों का स्थान होता है। जो लोग सोच समझ करके कार्य को करते हैं, गुण की लोभी संपत्तियां स्वयं ही उनका चुनाव कर लेती हैं। ठीक है, अगला 10वां नंबर है, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुस्मात् अपि लोकोत्तराणां चेतांसि को न विज्ञातुम् अर्हति। वज्रादपि कठोराणि, यानी जिनका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर है, मृदून कुस्मात अपि, और पुष्प से अधिक कोमल है, पुष्प लोकोत्तराणां, जो संसार से परे हैं, कौन विज्ञातुम अर्हति, चेतांश, चेतांश माने मन को, उनके हृदय को, उनके हृदय को कौन जान सकता है। ठीक, तो क्या कहा गया कि जो वज्र से भी अधिक कठोर है, पुष्प से अधिक कोमल है, जो संसार से परे हैं, उनके हृदय को कौन जान सकता है। अगला क्या है, प्रीणात यह सुर चरित पितरम सपुत्रो यद भर्तृव हितम इच्छति तत्र चलत्रम एतत्रयम तत्मित्रम आपद सुखे च समक्रियम यद ये तत्रयम जगत पूर्ण कृतो लभन्ते। प्रीणात यह सुचरित, प्रीणात माने प्रसन्न करता है, यह माने जो, सुचरित माने अच्छे चरित्र से, पितरम पिता को, शा माने वह, पुत्रो माने पुत्र, जो अपने अच्छे चरित्र से
पिता को प्रसन्न करता है वह पुत्र। यद भर्तृदेव हितम इच्छति, यद माने जो, भर्तृदेव माने पति का, न हितम इच्छति हित चाहती है, जो पति का सदैव हित चाहती है वह पत्नी, कलत्र माने पत्नी। तत् मित्रम आपद सुखे चा संप्रियम, यदि आपद बने विपत्ति में न? और संपत्ति में, जो सुख अर्थात जो सुख और दुख में दोनों में संक्रियम माने समानता का व्यवहार करता है वह मित्र। एतत्रयम, यह तीनों जगत माने संसार में पुण्य कृतो लभन्ते, पुण्य कर्मों से ही प्राप्त होते हैं ना? तो क्या कहा गया, जो अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है वह पुत्र, जो अपने पति का सदैव हित चाहती है वह पत्नी, जो सुख और दुख दोनों में समानता का व्यवहार करता है वह मित्र। यह तीनों संसार में पूर्ण कर्मों से प्राप्त होते हैं। ठीक, अगला श्लोक है, कामान दुग्धे विप्रकर्षत अलक्ष्मीम कीर्तिम सूते दुष्कृतम च, ये दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धाम शांताम मात्रम मंगलानाम धेनु धीरा सुनताम वाचम आहु। तो इसका तीसरी लाइन शब्द देखेंगे। ठीक, धेनु, धेनु माने गाय। ठीक, धीरा माने विद्वानों ने, विद्वानों ने शुद्धाम शुद्ध, शांताम शांत, मंगलानाम यानी समस्त कल्याणों को मात्रम माने जन्म देने वाली, सुनृतम सत्य एवं प्रिय वाणी को, धेनु माने ऐसी गाय कहा है ना, आहु माने कहा है। तो क्या कहा है, विद्वानों ने शुद्ध शांत समस्त कल्याणों को जन्म देने वाली सत्य एवं प्रिय वाणी को ऐसी गाय कहा है जो कामान दुग्धे, कामनाओं यानी इच्छाओं की पूर्ति करती है। विप्रकर्षत अलक्ष्मीम, अलक्ष्मीम माने दरिद्रता को, विप्रकर्षत माने दूर करती है, दरिद्रता को दूर करती है। कीर्तिम सूते, यश को फैलाती फैलाती है। दुष्कृतम या हिनस्ते, जो दुष्टता का नाश करती। तो क्या कहा गया इसमें, कि विद्वानों ने शुद्ध शांत समस्त प्रकार के कल्याणों को जन्म देने वाली सत्य एवं प्रिय वाणी को ऐसी गाय कहा है जो इच्छाओं की पूर्ति करती है, दरिद्रता को दूर करती है, यश को फैलाती है और दुष्टता का नाश करती है। ठीक है, अगला श्लोक है बच्चों, व्यति सजति पदार्थांतर को अपि हेतु न खलु वही उपाधीन प्रीतिया संस्रयन्ते, विकसत ही पतंगस्य उदये पुंडरीकम द्रवति च हिम रश्मि अवजगते चंद्रकांत। तो क्या कहा गया, व्यति सजति पदार्थांतर को अपि हेतु, यानी पदार्थों को, व्यति सजति माने आपस में मिलाने वाला, अंतर माने आंतरिक, माने कोई, हेतु माने कारण। तो पदार्थों को आपस में मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही है। ठीक है, न खलु, खलु माने निश्चय ही, बहुवादहीन प्रीतिया, प्रीतिया माने प्रेम भी, बहुवादहीन माने बाह्य कारणों पर ना संसरंते आश्रित नहीं है, निश्चय ही प्रेम भी बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं है, क्योंकि विकसित ही पतंग सुदय पुंडरीकम, पतंग माने सूर्य, सूर्य के उदित होते ही निकलते ही पुंडरीकम कमल, विकसित माने खिलता है, क्योंकि सूर्य के निकलने पर कमल खिलता है। ठीक, और द्रवत चा हिम रश्म उद्गते, हिम रश्म माने हिम, जिसकी रश्मियां शीतल है, हिम के जैसे हैं, कौन है, चंद्रमा। तो हिम रश्म कहा गया चंद्रमा को, जब चंद्रमा निकलता है तो चंद्रकांत मणि द्रवत, द्रवत माने पिघलती है। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया, कि पदार्थों को आपस में मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही है, निश्चय ही प्रेम भी बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं है, क्योंकि जब सूर्य निकलता है तब कमल खिलता है, और जब चंद्रमा निकलता है तो चंद्रकांत मणि पिघलती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला देखते हैं, निन्नंत नीत निपुणा
यदि वा स्तवंतु लक्ष्मी समाविशतु, ठीक है, गच्छत वा यथेष्टम अद्य वा मणुवसु युगांतरे वा न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा न धीरा माने विद्वान। इसमें कहा गया विद्वानों की चाहे कोई निंदन करे निंदा करे, कौन विद्वान नीर निपुणा नीति में निपुण लोगों की चाहे कोई निंदा करे, यदि वा स्तवंतु यदि अथवा उनकी कोई स्तवंत बने वंदना करे, ठीक। लक्ष्मी समाविशत लक्ष्मी उनके पास इच्छा अनुसार गच्छ आए या इच्छा अनुसार चली जाए, अद्य वा मणमस्त आज मरे अथवा युगांतरे वा युगो बाद मरे, न्यायात पथा प्रविचलंत पदम नाधीरा जो विद्वान होते हैं वह अपने न्यायात यानी न्याय के मार्ग से पद न पथा माने मार्ग से पदम न एक कदम भी प्रविचलंत विचलित नहीं होते हैं। तो क्या कहा गया इसमें नीति में निपुण लोगों की कोई चाहे निंदा करे या उनकी वंदना करे, लक्ष्मी उनके पास इच्छा अनुसार आए या चली जाए, आज मरे अथवा युगों के बाद मरे, ठीक है। तो न्याय के मार्ग पर चलने वाले विद्वान व्यक्ति अपने न्यायोचित मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं। एक अंतिम देखिए ऋषियों ने ऋषियो राजसिम आहु वाचम अदृप्त उन्मत्त अदृप्तयो शाहयोनि सर्वहराणां साही लोकस्य निरति, ठीक है, निरति माने होता विपत्ति। ऋषियों ने वाचम उन्मत्त अदृप्तयो, वाच माने बाणी, उन्मत्त यानी उन्मादी अदृप्त अहंकारी कह सकते हैं। तो ऋषियों ने अहंकारी वाणी को राजसीम आओ राजसी वाणी कहा है, तो ऋषियों ने अहंकारी वाणी को राजसी वाणी कहा है। सहयोनी सर्वैराणाम सर्वैराणाम माने समस्त प्रकार की शत्रुता को, योनि माने जन्म देने वाली वह समस्त प्रकार की शत्रुता को या वैरों को जन्म देने वाली लोकस्य निरति और संसार की विपत्ति का कारण होती है ना। तो ऋषियों ने क्या कहा, ऋषियों ने कहा कि अहंकारी वाणी को राजसी वाणी कहा, वह समस्त प्रकार के वैरों को जन्म देने वाली है और संसार की विपत्ति का कारण होती है, ठीक। तो आप बच्चों इसमें हिंदी अनुवाद करेंगे, जिनकी संख्या मैं लिख देता हूँ, ठीक है, उनका उनका हिंदी अनुवाद कर लेना, ठीक। इसमें श्लोक संख्या दूसरा, ठीक, तीसरा और पांचवा, ठीक, पांचवा के बाद ये आठवा, ग्यारह नंबर, ठीक, और तेरह बारह भी कर लीजिए और पंद्रह नंबर, ठीक। इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे, ठीक है बच्चों, धन्यवाद। नहीं सर।